खबर इस वक्त रीवा से, जहां रीवा सिरमौर मार्ग में बीती रात कार और पिकअप वाहन के बीच भीषण टक्कर हुई है। हादसे के दौरान कार में सवार चार लोग घायल हुए हैं, जिनमें से तीन को गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। हादसा रीवा सिरमौर मार्ग स्थित बेलवा के समीप रात तकरीबन 12 बजे होना बताया जा रहा है। सिरमौर पुलिस के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हुई कार में स्थानीय सिरमौर के ही लोग सवार थे, जो कार में सवार होकर देर रात रीवा की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में सड़क हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक सिरमौर से रीवा की ओर आ रही तेज रफ्तार कार बेलवा के समीप सामने से आ रही पिकअप वाहन से जा टकराई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार और पिकअप वाहन के बीच टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। अचानक हुए हादसे के दौरान कार में सवार चार लोग घायल हो गए, जिनमें से तीन को गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। वहीं पिकअप वाहन में सवार लोग बाल बाल बच गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही सिरमौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क के बीचों बीच हुए हादसे के दौरान दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया है और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेज दिया, जहां कार में सवार तीन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।